दोस्तों ये मीटर की स्पीड देख लीजिए आप, विदाउट इंडक्शन अभी सिर्फ 3 एलईडी बल्ब, 1 टेबल फ़ैन, 1 सीलिंग फ़ैन, 1 इन्वर्टर, 1 फ्रिज चल रहा है, जिस पर कि ये स्पीड आ रही है वो आप माइंड में रखिएगा, ताकि आप जब इंडक्शन चले तो उससे कंपेयर कर पाएँ। देखिए क्या स्पीड आ रही है, कितनी तेज़ ब्लिंक हो रही है लाइट। अब यही लाइट ब्लिंकिंग आप उस पर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमने इंडक्शन तैयार कर लिया, अब इसे ऑन कर लेते हैं और हम इसे मिनिमम टेम्परेचर पर रखेंगे, मतलब मिनिमम वॉट पे रखेंगे, मिनिमम से हाई पर जाएंगे। तो ये 80 मिनिमम है इसका, 80 पर देख लेते हैं क्या स्पीड आती है मीटर की। ये देखिए नॉर्मल जो पहले चल रहा था, इंडक्शन चलने के बाद स्पीड बढ़ चुकी है, तो लोड तो ले रहा है, अच्छा खासा ही लोड है इंडक्शन का भी। अभी टेम्परेचर हम बढ़ा के देख लेते हैं क्या स्पीड आती है मीटर की। 160 वॉट पे हमने सेट कर दिया। अब देखते हैं कि बढ़ती है नहीं। हाँ तो डेफिनेटली थोड़ा फास्ट हो गया है मीटर। ये देखिए आप देख सकते हैं, तो देखिए दोस्तों इस पे हम आज स्पीड नहीं, केवल स्पीड की बारे में बात नहीं करेंगे, हम इस पर खाना ही बना कर दिखाएंगे। तो वीडियो को स्किप ना करें, आप दो चीज़ें देखेंगे, एक तो स्पीड देखेंगे और एक खाना किस तरह से बनता है और कितनी जल्दी बनता है इस पे, तो वो भी चीज़ आज आप इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को स्किप ना करें। देखिए अभी क्या है कि ये इंडक्शन कुकवेयर जो है, ये कढ़ाई जो है बिल्कुल नई है, इसमें स्टिकर लगा हुआ था तो हम वो उतार रहे हैं। देखिए कितनी जल्दी पानी गर्म हो चुका है और ये धीरे धीरे स्टिकर उतर रहा है, बस लगभग उतर ही गया ये। तो आप देख सकते हैं बहुत जल्दी पानी गर्म हो गया इस पर, गैस पर इतनी जल्दी नहीं होता। अभी इसे धो लेंगे हम, फिर से इसे चढ़ाएंगे कढ़ाई को। ये लीजिए आप, हमने इस पर खाना बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है। अब ये 160 वाट पे चल रहा है और आप स्पीड देख चुके हैं 160 वाट पे, तो अभी थोड़ा सा पनीर को सोटे कर लेंगे हम इतने टेम्परेचर पे। तो वीडियो को मैंने स्पीड जो है बढ़ा दिया है ताकि आप बोर ना हो। वीडियो को मैंने कोशिश किया है कि कम से कम लेंथ रखी जाए वीडियो की, तो आप प्लीज़ स्किप ना करें, वरना आप स्किप करेंगे तो कुछ भी छूट जाएगा और पूरी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। तो निश्चिंत रहिए, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी और ज़्यादा बोर नहीं होंगे आप, कोशिश करिए वीडियो पूरी देखें। तो ये हो गया है इतनी जल्दी। ये लीजिए 160 डिग्री पर ही रखा हमने और वो जो है 160 डिग्री पे ही इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें इसको और बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बट हाँ अभी हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे और आपको और दिखाएंगे इसको फुल, जो 1800 वोल्ट है इसका हाईएस्ट, वहाँ तक ले जाएंगे और उसकी स्पीड नापेंगे मीटर की। तो लीजिए स्पीड चेक करनी है हमें, तो अभी इसको हम 1000 वोल्ट पे सेट कर देते हैं। ये देखिए 1000 वोल्ट पे हमने कर दिया है और अब स्पीड देखिए, तो डेफिनेटली लोड ले रहा है, ये अच्छा खासा लोड डाल रहा है मीटर पर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये बिल्कुल कम बिजली खाता है, ठीक ठाक ही बिजली का यूज़ करता है ये इंडक्शन। तो सब्सिडी वाले सिलेंडर अगर यूज़ करते हैं तो उससे तो ये महंगा ही पड़ेगा, बट हाँ अगर आप कभी कदार यूज़ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको कभी कभी यूज़ करिए, जल्दी खाना बनाना हो जिस दिन उस दिन आप इसको यूज़ करिए। और हाँ अगर आप सब्सिडी वाला सिलेंडर यूज़ नहीं करते हैं तो
तो आप इसी को यूज़ करिए, तब ये आपको सस्ता पड़ेगा। तो बस खाना बन ही चुका है लगभग, अभी इसको हम टेम्परेचर को और बढ़ाएंगे, इसको हाई वॉट पे सेट करेंगे, फिर देखेंगे क्या स्पीड दे रहा है ये, कितना लोड डाल रहा है मीटर पे। ये लीजिए टेम्परेचर हम कर देते हैं इसका 1800 वॉट। आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, अभी हम इसको दिखाते हैं आपको कि एक टेम्परेचर क्या है इसका। ये देखिए 1800 वॉट पे ये इंडक्शन चल रहा है, और स्पीड देखिए, तो स्पीड बढ़ गई है, पर बहुत माइनर माइनर से फ़र्क आता है, और स्पीड आप देख चुके हैं, तो स्पीड काफ़ी फास्ट हो चुकी है 1800 वॉट पे। तो लगभग खाना भी बनकर तैयार है और हमने इंडक्शन को बंद कर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा कि इंडक्शन कुकटॉप पर किस तरह मीटर रिएक्ट करता है, कितना असर मीटर पर पड़ता है, कितनी स्पीड से मीटर चलता है, और हमने देखा कि इंडक्शन कुकटॉप पे खाना बनाना कितना आसान है। गैस के अपेक्षा इंडक्शन कुकटॉप पे खाना बनाना बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक है, और इंडक्शन कुकटॉप पे खाना गैस की अपेक्षा काफ़ी जल्दी बन जाता है। तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।